नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। जहां पर टीम इंडिया दूसरा T20 जीतकर जश्न मना रही है, वहीं अब भारत में कई तरह की मांगें उठ रही हैं। आपको बता दें कि विश्व कप बेहद करीब है और उससे पहले भारतीय टीम के पास मौका है अपने खिलाड़ियों को परखने का, अपनी बेहतर से बेहतर तैयारियों को करने का। खास तौर पर भारतीय टीम के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप किन खिलाड़ियों को मौका देना चाह रहे हैं, किन खिलाड़ियों को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है वो वाकई में एक थोड़ा सा लैंडमार्क सेट करते चले जा रहे हैं भारतीय टीम। और जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन आया है सामने, ऋषभ पंत का प्रदर्शन निकल कर सामने आया है, बाकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन निकल कर सामने आया है, तो वर्ल्ड कप स्कीम ऑफ थिंग्स में अब खिलाड़ी जो हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हो सकता है कि T20 फॉर्मेट में भी, T20 वर्ल्ड कप जो होना है 2020 में, उसकी भी तैयारियां शुरू हो गई हों, क्योंकि यहां पर आज रोहित शर्मा ने मैच शुरू होने से पहले साफ तौर पर कहा था कि भारत को अब ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है, ऐसे हरफनमौला खिलाड़ियों की ज़रूरत है जो आपके मैच विनर साबित हो सकते हैं। और एक मैच से आप कभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भारतीय टीम में क्या बेहतर है और क्या नहीं है। लेकिन इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे विश्व कप 2019 की होने वाली भारत की उन 15 खिलाड़ियों की टीम के बारे में जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जाहिर सी बात है कि भारत की का जो न्यूजीलैंड का जो ये दौरा है वो T20 फॉर्मेट की ओर बढ़ चला है। आखिरी T20 हैमिल्टन में खेला जाना है 10 फरवरी को, और ये आखिरी T20 ही के बाद भारतीय टीम अब सारे मैचेस जो हैं वो अपने घर पर खेलेगी, खिलाड़ी अपने घर पर खेलेंगे, और यहाँ की पिचेस से ही डिसाइड होगा कि भारत कहाँ और किस तरह से खेलना चाहता है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारत प्रदर्शन करता चला आ रहा है, ये बात लगभग तय हो गई है कि भारत को अब अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में बाकी खिलाड़ियों को भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक भारत का मिडिल ऑर्डर जो है उस ढंग से एक्सप्लोर नहीं हुआ है जिस ढंग से अभी ज़रूरत थी भारत को। क्योंकि 2019 विश्व कप को लेकर अभी भी ये डिमांड उठ रही है कि यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में बदलाव की गुंजाइश है, मिडिल ऑर्डर में बाकी खिलाड़ियों को भी मौका दिया जा सकता है और बाकी खिलाड़ी भी यहाँ पर आगे जा सकते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो युवराज सिंह और सुरेश रैना को खिलाने की बात की जा रही है, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल था कि भाई क्या ये खिलाड़ी वापसी कर पाएंगे, क्योंकि IPL 2019 के जब ऑक्शंस हुए थे तो ऑक्शंस के दौरान भारतीय टीम में इनकी एंट्री नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से दोनों खिलाड़ी टीम से बाहर चल रहे हैं। हालांकि सुरेश रैना को बीते साल इंग्लैंड में टीम में ज़रूर रखा गया था, लेकिन दो मैच ख़राब होने के बाद इन खिलाड़ियों को बाहर कर दिया। अब इन खिलाड़ियों को क्यों बार बार वापस लाने की मांग उठ रही है, क्यों फैंस ये चाहते हैं BCCI से कि इन खिलाड़ियों को वापस लाया जाए, क्योंकि ये खिलाड़ी ही आपको मैच जिता सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि भारत के पास अगर टॉप फोर देख लिया जाए, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन और रोहित शर्मा, इन चार खिलाड़ियों को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत के पास कोई भी खिलाड़ी मैच विनर नहीं है। और अगर मैच विनर खिलाड़ी आपकी टीम में नहीं होंगे तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और फिर भारतीय टीम आगे खेलने में बहुत ज़्यादा असक्षम हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमने अगर 2011 की कहानी को याद करें तो युवराज सिंह वहाँ भी रेस में नहीं थे, लेकिन उनको एकदम से लाया गया और हमने देखा कि 2011 विश्व कप जिताने में युवराज सिंह की क्या अहम भूमिका थी। सेम 2016 वर्ल्ड T20 देख लीजिए, युवराज सिंह दूर दूर तक नहीं थे फ्रेम ऑफ माइंड में, लेकिन उसके बाद उनको एकदम से एक सीरीज़ मिली और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया और सेमीफाइनल तक भारत उस टूर्नामेंट में पहुँचा। ऐसे में कम से कम आपको अपने एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को भी कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा। आप जो खिलाड़ी आपके मैच विनर नहीं साबित हो रहे हैं उन खिलाड़ियों को आपको बाहर करना, क्योंकि भारत की एक सोच ऐसी बन गई है कि हम 6 बल्लेबाज और 5 के गेंदबाज खिलाएंगे, 5 तो आपके गेंदबाज होंगे लेकिन 6ठा और 7वां गेंदबाज जब आपको चाहिए होगा तो फिर आप अम्बति रायडू पर बैन लगा दिया है ICC ने कि वो गेंदबाजी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ केदार जाधव आपके पास एक ऑप्शन होंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता जिस दिन केदार जाधव की पिटाई होगी तो फिर आप किन खिलाड़ियों को मौका देंगे, तो ऐसे में इन दो खिलाड़ियों की भी वैल्यू बनती है। और युवराज सिंह हाल ही में जिस तरह की लय में नजर आए हैं, उन्होंने DY पाटिल T20 टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, IPL से भी हो सकता है कि एक आध खिलाड़ी प्रोड्यूस हो, एक्स फैक्टर के लिए ऋषभ पंत को भी स्कीम ऑफ थिंग्स में रखा है, तो कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों की वापसी को लेकर भी ज़बरदस्त चर्चाएँ हो रही हैं। क्योंकि अगर ये चर्चाएँ बन रही हैं दैट मीन्स कि खिलाड़ी कुछ ना कुछ प्रदर्शन इनके लिए मायने रखता है। युवराज सिंह की अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर अपने इंटरव्यू में हाल ही में कहा था कि
मैं यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करना चाहता हूँ, मैं अपनी टीम के लिए विश्व कप खेलना चाहता हूँ और अपने करियर को एक अच्छे नोट पर एंड करना चाहता हूँ। 37 साल के युवराज का प्रदर्शन हालिया में बहुत काफ़ी ख़राब रहा था, हालांकि कुछ अच्छी पारियाँ भी खेली उन्होंने, विजय हजारे ट्रॉफी में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन उसके बाद BCCI ने क्यों नहीं उन्हें देवधर ट्रॉफी में मौका दिया, ये सारे सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसे में इन सवालों का जवाब आखिर देगा कौन, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि युवराज सिंह को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जब से वो 2011 के बाद से कैंसर से लड़े हैं, उसके बाद इस खिलाड़ी की वापसी टीम में बड़ी मुश्किल हुई है। वापस आए हैं, कुछ दिन रहे हैं और उसके बाद वो फिर आगे चले गए हैं। पूरा अगर करियर ग्राफ देखा जाए युवराज सिंह का, तो ये भी हमने देखा है कि शुरुआत से ही, जब 1999 से उनकी जो एंट्री हुई है टीम में, तो अंदर बाहर का उनका सिलसिला चलता रहा है। लेकिन जो भी ICC का टूर्नामेंट रहा है, वहाँ पर युवराज का प्रदर्शन वाकई में एक काबिले तारीफ रहा है और उस प्रदर्शन ने कहीं ना कहीं भारतीय टीम को एक कई नई उपलब्धियाँ दिलाई हैं, वर्ल्ड कप दिलाया है युवराज सिंह ने। ऐसे में वर्ल्ड कप हीरो को वापसी कराना हो सकता है कि BCCI के जहन में हो, क्योंकि अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी जो वर्ल्ड कप की टीम है वो फिक्स हो चुकी है। अगर 2017 का हम चैंपियंस ट्रॉफी देखें, तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले युवराज सिंह को, जब उनका प्रदर्शन था वहाँ पर IPL में, तो उनको टीम में लाया गया था और देखिए उनका प्रदर्शन कितना खास था और फाइनल तक भारतीय टीम गई थी, फाइनल में पाकिस्तान से हारी थी। ऐसे में इन खिलाड़ियों का टीम में होना बहुत ज़रूरी है, आपको मोटिवेट करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी आपके साथ मौजूद हैं, तो ऐसे में खिलाड़ी आपको बॉलिंग से लेकर फील्डिंग से लेकर बैटिंग, ये सारी चीज़ें डिसाइड करके दे सकते हैं। अब खबर ये भी आ रही है, हाल ही में बयान दिया था यहाँ पर रवि शास्त्री ने कि विराट कोहली नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। यानी कि विराट को डाउन दी ऑर्डर आपको लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना हमेशा से भारत का रहा है। ऐसे में ये खिलाड़ी आकर आपको शायद नंबर 5 नंबर 6 की पोजीशन को एक ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं। साथ ही अब रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इन सबको आराम देने की बात की जा रही है और अगर ये खिलाड़ी यहाँ पर रहेंगे तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर इनको भी एक मौका मिलेगा। 5 वनडे मैच अभी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बचे हैं भारत के पास और अगर ये वनडे मैच भारत जीतता है या फिर वनडे मैच में अगर खिलाड़ियों को मौका देने की बात आती है तो अब वो लगभग वर्ल्ड कप के लिए भी फाइनलाइज हो जाएंगे। फिलहाल भारत को टेस्ट करना है अपना मिडिल ऑर्डर, ऋषभ पंत को भी स्कीम ऑफ थिंग्स में रखा गया है, तो ये 2-3 खिलाड़ी जो हैं ये आपकी सोच से बाहर तो नहीं है लेकिन सोच के अंदर भी, क्योंकि संजय बांगड़ ने उस दिन इंटरव्यू में ये कहा था कि हमारे जो मिडिल ऑर्डर है हम उनको टेस्ट करना चाहते हैं, मिडिल ऑर्डर में कौन सा खिलाड़ी कैपेबल है, कौन विपरीत परिस्थितियों में रन बना रहा है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में जो खिलाड़ी आपको मैच निकाल कर देगा वो शायद आपके लिए बेहतर होगा। जो हमने महेंद्र सिंह धोनी में सालों तक देखा है, जो अंबती रायडू की उस पारी में दिखा, जो खेला गया था वेलिंगटन में, जो वनडे खेला गया था, तो कुछ इस तरह की उम्मीद अब भारत को बंधने लगी होगी और अगर ये खिलाड़ी यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो वाकई में दर्शाएंगे कि नहीं भाई ये वर्ल्ड कप में डिजर्व करते हैं भारत की टीम में होना। अगर भारतीय टीम के लिहाज से देखा जाए तो इन खिलाड़ियों का IPL में प्रदर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हालांकि फैंस ने डिमांड ज़रूर की है लेकिन इन खिलाड़ियों को भी अब अपना प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा, जो प्रदर्शन शायद साल 2018 में अंबती रायडू ने किया था और डायरेक्ट उनको टीम का टिकट मिला था। फिलहाल अगर देखा जाए भारतीय टीम के दृष्टिकोण से तो भारतीय टीम पूरी तरह से सेट नज़र आ रही है, पूरी तरह से भारत का लगभग ऑर्डर सेट हो चुका है, गेंदबाजी सेट हो चुकी है और अब बल्लेबाजी में जो मिडिल ऑर्डर के जो 1-2 स्लॉट हैं वो फिल होने ज़रूर बाकी है, क्योंकि अगर वो स्लॉट फिल नहीं हुए तो फिर भारत को आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि भारत को अब प्रदर्शन ही एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि हमने जो कहानियां देखी है, 2015 विश्व कप का सेमीफाइनल देख लीजिए, उससे पहले भारत ने लगभग सभी टीमों को पीटा और 2015 में अंत में जब परफॉर्म करने की बारी आई तो टीम इंडिया चोक कर गई। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल देख लीजिए, हम फाइनल तक पहुँचे और उसके बाद भारतीय टीम चोक करके आ गई। तो यहाँ पर जो इंस्टेंट कोलैप्स हो जाता है भारत का, वो कोलैप्स नहीं होना चाहिए और उसी कोलैप्स की वजह से भारतीय टीम को फिर जो है टाइटल से वंचित रहना पड़ता है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, ये खिलाड़ी आपको शायद आगे लेकर जाए, आपको बेहतर विकल्प तराश कर दें, क्योंकि ये खिलाड़ी ही आपको जीत दिला सकते हैं, ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भारत की घरेलू सीरीज़ है वो एक बेहतर मौका है चयनकर्ताओं के पास भी कि अपने खिलाड़ियों को चुन लिया जाए, अपने खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, क्योंकि बाकी लोग कह रहे हैं कि इनके लिए करियर ओवर हो गया है। अगर इनके लिए करियर ओवर हो गया है तो अंबती रायडू भी 30+ हैं, केदार जाधव 30+ हैं, इवन यहाँ पर दिनेश कार्तिक 30+ हैं, तो 3 खिलाड़ी जब 30+ के खेल रहे हैं तो आप 2 खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं और ये आपके मैच विनर खिलाड़ी हैं, और मैच विनर खिलाड़ियों को जब आप मौका देते हैं तो ये मैच विनर खिलाड़ी आपको मैच भी जिता कर दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है
लगातार हम ये देख रहे हैं कि भारतीय टीम में चेंजेस हो, पिछले एक साल से चेंजेस हो देखने को मिल रहे हैं, और वही चेंजेस जो हैं भारत में शायद एक बेहतर प्लेयर्स प्रोड्यूस करने की बात हो या फिर अच्छा विकल्प तराशने की बात हो, ये ऐसे विकल्प हैं जो शायद आपके लॉन्ग टाइम तक चले, हो सकता है आपको वर्ल्ड कप जिता कर दे दें। क्योंकि अगर वो खिलाड़ी जो खिलाड़ी आपको दो विश्व कप जिता कर बैठा है युवराज सिंह, अगर आप उसको मौका देंगे तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपकी टीम को अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। तो ये बात देखने वाली है, क्योंकि जब साल 2017 में हमने प्रदर्शन देखा तो युवराज सिंह ने 150 की भी पारी खेली हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर क्रिकेट नहीं बाकी है। देखना होगा कि ये खिलाड़ी वापसी कैसे करता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त, अपनी राय हमें ज़रूर भेजें कि क्या एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को टीम में लाना सही होगा विश्व कप के लिए, ये भी हमें ज़रूर भेजें। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।